था, भगवान गणपति का बुद्ध का दिन था, समृद्धि सुख शांति का आशीर्वाद था, हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में गणेश जी का आशीर्वाद मिला है, प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि का प्रारंभ हो गया, कुशासन डिलीट हो गया और अब प्रदेश का विकास चहुंओर होगा और विकास की रोल मॉडल राजस्थान बनेगा। पूरे देश और दुनिया में राजस्थान का जो विकास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास विश्वास और विकास का जो विजन है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो अब तक का संगठन का अनुभव, पूरे परिवार को साथ लेके काम करने का स्वभाव और वह काम करने का स्वभाव जिस प्रकार से गति पकड़ा है और कुछ दिनों में आप देखेंगे जो 5 साल में नहीं हो पाया, 50 साल पीछे छोड़ दिया प्रदेश को, वह कुछ ही महीनों में आपको नजर आएगा और हम उसके बाद जो गति पकड़ेंगे देश और दुनिया में राजस्थान का परचम, उसकी ध्वजा चारों ओर फहराएगी। गदा तो बालाजी की आशीर्वाद है वो तो रहती है, बालाजी का आशीर्वाद है वो तो रहता है, गदा के रूप में आशीर्वाद है वो मेरे इष्ट का आशीर्वाद है, मैं आज से नहीं ये बचपन से साथ रखता हूँ, गदा मेरे साथ मेरी पूजा में मेरी गाड़ी में मेरे साथ सदैव रहती है। अभी क्या है, कुछ आज एक काम हो गया, दूसरा काम कुछ बाकी है, कल आप देखेंगे, कल परसों में सारे डिपार्टमेंट के काम काज चालू हो जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा, शुरुआत हुई है। धारीवाल तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई था बुढ़ापे में, उनकी मति भ्रष्ट हो गई, कभी बोलता है मर्दों का प्रदेश, उसको शर्म नहीं आई, बूढ़े आदमी बुजुर्ग आदमी इस समय नमोकार मंत्र का जप करे, राम नाम का जप करे, भगवान का भजन करे, इस प्रकार के गंदे बोल न बोले, काली पट्टी बांध आए, क्या संदेश देना चाहते हो, खुशी का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है और कुशासन चला गया, डिलीट मार दी गई है सरकार को, अब तो समझ जाओ देवतुल्य जनता तुम्हें डिलीट मार चुकी है, उसके बाद काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं हमारा, फिर कह रहे हैं कि यहाँ भजन मंडली आ गई, भजन मंडली, अरे साहब भजन से क्या आपत्ति है तुम्हें, भजन अच्छी चीज है, भजन मंडली आ गई, भजन करेगी, सत्संग करेगी, 36 कौम को साथ लेगी, सबका विश्वास जीत के विकास करेगी, और तुम्हें इन बातों से क्या आपत्ति है, ये परिवार में हम लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर और यहाँ विकास का काम के लिए आज हुए हैं, शपथ का कार्यक्रम हुआ है और ये लोग आज ऐसे बोल बोल रहे हैं जो इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार के बोल बोलना इनको, तो जाम से निजात, माताओं बहनों को सुरक्षा, हर एक गली मोहल्लों में कैमरा और जो उजाड़ पड़ा है शहर उसका मेंटेनेंस और हमारे जितने भी पार्क हैं उनको डेवलप, स्पोर्ट्स के छोटे छोटे ग्राउंड डेवलप और सैटेलाइट हॉस्पिटल से लेकर हमारे जो हॉस्पिटल बने हैं उन सबको तैयार करके वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना, 5 साल की जो घोटाले की सरकार ने कुछ नहीं किया और 50 साल पीछे प्रदेश को कर दिया, कर्जे में 2 नंबर पे ला दिया, हम प्रदेश को सुख शांति समृद्धि के साथ प्रदेश को विकास की ओर हमारी शुरुआत हो चुकी है। मेरा फोन स्विच ऑफ था, कोई आया हो तो भी फोन करूंगा तो मिस कॉल में दिखेगा मुझे। जो अभी हो रहा है, जो राष्ट्रपति की जो मीटिंग का वीडियो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हैं। हम निंदा करते हैं कांग्रेस वालों की, विपक्षों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको यहाँ से डिलीट करना है और डिलीट के इनको जो सपना है हमारा कि कांग्रेस मुक्त और ये जितने भी इनके सहयोगी दल है महाठगबंधन, ये महाठगबंधन को सबको डिलीट मारना है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इन्हें किसी संवैधानिक पद का मान सम्मान कुछ नहीं पता, सिर्फ राजनीति जानते हैं, वो भी गंदी राजनीति जानते हैं, ये धर्म अनुरूपक राजनीति करते हैं, इस प्रकार की घटिया बोल कभी नहीं बोलते। राजनीति में धर्मकार संतों का होना उचित है, राजनीति में संत और धर्म रहेगा तो राजनीति स्वस्थ और स्वच्छ चलेगी और राजनीति में अगर ये न होगा तो राजनीति में जिस प्रकार के गंदे बोल बोलने वाले धारीवाल जैसे होंगे, इसलिए इनको डिलीट मारना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के विजन को लेके विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें और शुरुआत हो गई है।